मैं माही पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। एक बेनामी फोन ने प्रशासन को लगाया काम पर। नगर पालिका को अज्ञात शव दफनाने की मिली जानकारी। सभी विभाग पहुंचे घटना स्थल पर। घटना स्थल पर जुटी लोगों की भीड़। न जाने आखिर क्या था उस गड्ढे में। जिला प्रशासन ने दिखाई सतर्कता। नगर पालिका को 10 जुलाई को एक फोन आता है, उसके पश्चात पुलिस विभाग, नगर परिषद विभाग, तहसील विभाग काम से जुट गया। बता दे कि उस फोन कॉल में किसी ने जानकारी दी थी मछली बाजार में अज्ञात शव को दफनाया गया है। ऐसी जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस विभाग, तहसील विभाग, नगर परिषद विभाग झटपटाते हुए घटना स्थल पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी, किंतु इस घटना से परिसर में सनसनी मची हुई थी। लोग यही चर्चा कर रहे थे कि कहीं उस गड्ढे में किसी बच्चे का शव तो नहीं। सभी की निगाहें इसी ओर गड़ी हुई थी। जिला प्रशासन ने बड़ी ही सावधानियां व सतर्कता बरतते हुए वह गड्ढा खोदा और जो सामने आया उसे देखकर सभी के चेहरों पर हंसी आ गई। उस गड्ढे में ना तो कोई बच्चे का शव था और ना ही किसी व्यक्ति का। उस गड्ढे में एक पालतू कुत्ते को दफनाया गया था। किंतु इस घटना से ये जरूर साबित होता है कि भंडारा जिले का जिला प्रशासन हर चीजों को लेकर कितनी बारीकी व सतर्कता बरतता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज इसकी सराहना करता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।